ब्रजेश जी, ये भी हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है अपने फैसले में, अपनी टिप्पणी में, कि आप कोर्ट पर, जजों पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। देखिए श्वेता, ये कि ये नया दौर है जबकि देश की हाईएस्ट कोर्ट में प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई जा रही है। आप ध्यान रखें, पिछले कई सारे ऐसे किस्से हुए हैं। सीबीआई से जुड़ा हुआ एक मामला था जिसमें कि प्रशांत भूषण ने ये तक कहा था कि नहीं, ये बेंच नहीं बल्कि इस बेंच को मामले की सुनवाई करनी चाहिए, उस जज को इससे एक्सक्यूज कर लेना चाहिए। जहां तक जस्टिस लोया का मसला है, इसमें भी बेंच को लगातार प्रेशराइज करने की कोशिश की गई। आप ध्यान रखें कि जो देश की न्यायपालिका के मुखिया हैं, जो सीजे आई हैं, जस्टिस दीपक मिश्रा, उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की गई। तो यह जो है, इस तरह की नौबत पहले कभी नहीं देखी गई थी कि इस तरह के हालात पैदा हों, एक ऑर्केस्ट्रेटेड मूवमेंट जो है सो चलाया जाए और जुडिशरी को, और वो भी जो हाईएस्ट जुडिशरी हो, उसको प्रेशर में लाने की कोशिश की जाए। यह जो है सो एक नया दौर है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत हिम्मत के साथ इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि एक तरफ वह किसी भी राजनीतिक दबाव में नहीं आने वाली है, दूसरी तरफ उसके मंच का, यानी जो देश की हाईएस्ट कोर्ट है, उसके मंच का इस्तेमाल जो है किसी भी किस्म का पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए नहीं किया जा सकता। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है वह काफी इंपॉर्टेंट है, एक बड़ा सिग्नल देने वाला है कि देश की जो हाईएस्ट कोर्ट है या जो हायर जुडिशरी है, वह किसी भी किस्म के राजनीतिक दबाव में नहीं आने वाली, एनजीओ ब्रिगेड के दबाव में नहीं आने वाली, जो कि चाहते हैं कि किस तरीके से पीआईएल का इस्तेमाल करके अपने स्कोर सेटल किए जाएं। तो उस हिसाब से एक बड़ा मैसेज है, और यही चीज जो है सुप्रीम कोर्ट का जो आज का आदेश है या सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उसमें उभर कर बहुत साफ तौर पर सामने आया श्वेता। बिल्कुल, और हमारे साथ सुमित भी बने हुए सुप्रीम कोर्ट के बाहर से। लगातार आप किस तरीके की प्रतिक्रिया मिल रही है आपको सुमित इस फैसले के बाद? देखिए, याचिकाकर्ता इस फैसले से बेहद ही निराश है क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर हमने सवाल खड़े किए थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कंसीडर नहीं किया। उनका साफ तौर पर कहना है क्योंकि तहसीन पूनावाला जो सबसे पहले, प्रशांत भूषण आप क्या कुछ कह रहे हैं पूरे फैसले के बाद? उनके साथ रात में रुके थे उस गेस्ट हाउस में, और उसके बाद फिर उनको चेस्ट में पेन हुआ तो उनको अस्पताल ले गए थे, फिर दूसरे अस्पताल ले गए, वहाँ उनकी मौत हो गई। तो इसलिए उन चार जजों के स्टेटमेंट्स के हिसाब से कोई वजह नहीं है इसको डाउट करने की। ये इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र जांच की मांग को ठुकरा दिया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि चार जज जिनका कोई एफिडेविट पर स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आया, जिनका और उस पुलिस अफसर का भी कोई एफिडेविट पर स्टेटमेंट नहीं आया, जिसकी वजह से कोई ये कह भी नहीं सकता पक्का कि भाई इन जजों ने ये स्टेटमेंट दी। तो वाकई बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरह से ये फैसला आया है, सीधा सीधा न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिशें जो लोग कर रहे थे उनको ये करारा जवाब है। सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। ब्रजेश जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये कोर्ट की ओर से कहना कि जो याचिकाएं हैं उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि कोर्ट को भी ये लगता है कि राजनीतिक मंशे के चलते ये सब कुछ हो रहा है। निश्चित तौर पर, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ जाने के बावजूद भी जिस तरीके से रिएक्शन आ रहे हैं, देखिए अभी हम लोग प्रशांत भूषण को सुन रहे थे। प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि जो जजेज हैं जो कि उस समय मौजूद थे जज लोया के साथ, उनका एफिडेविट नहीं लिया गया। ये देखिए आप किस तरह का मजाक है, हाईकोर्ट के जज हैं, उनसे जो सो डिस्क्रीट इंक्वायरी की जाती है, वह बयान अपना जो है वह जो सो दर्ज करवाते हैं उस रिपोर्ट में, वह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाती है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को अगर किसी भी किस्म का डाउट अगर इस मामले में हो है तो वह जो सो सीधे उन जजेस से बात की जा सकती है। वो ध्यान रखें कि वो सर्विंग जजेस हैं, हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं। तो इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी दस्तावेजों को, पूरे मामले को सुनने के बाद से चारों याचिकाओं को खारिज किया और पीआईएल के बेजा इस्तेमाल पर गंभीर टिप्पणी की, उसके सामने अब भी आप देखिए किस तरह की मोर्चेबंदी की जा रही है। अब भी जो है एक तरह से इस फैसले को क्रिटिसाइज इस तरीके से किया जा रहा है कि साहब आपने इस चीज का ध्यान नहीं रखा, उस चीज का ध्यान नहीं रखा, आपने हाईकोर्ट के जजेस का जो बयान है वह एफिडेविट पर नहीं लिया। आप ध्यान रखिए कि जो हायर जुडिशरी है, जिसमें कि हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वह जो कि न्याय निष्पादन का काम करते हैं, जो बड़े फैसले देते हैं, खुद क्या आप उनकी मंशा पर सवाल उठा सकते हैं? आप, यह जो पूरा का पूरा एक नया दौर है, मैं बार बार कह रहा हूं कि कभी यह होता नहीं था। आप देश की हाईएस्ट जुडिशरी किसी मामले को गंभीरता से सुनने के बाद अपना फैसला दे रही है और उसके बाद जो है आप उस पर लगातार जो है उन पहलुओं को लेकर आप आलोचना करने की कोशिश कर रहे हैं जो पहलू पूरी तौर पर टिकते नहीं है, जिनको
को ऑलरेडी खारिज कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट, तो कहीं ना कहीं मन में सवाल पैदा होता है कि हायर जुडिशरी का इस्तेमाल, जो हायर जुडिशियल फोरम है उनका इस्तेमाल कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए की जा रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के तहत ऐसी तमाम मंशाओं को खारिज कर दिया है और एक करारा, एक तरह से कह सकते हैं, जवाब दिया है अपने फैसले के जरिए कि सुप्रीम कोर्ट के मंच का इस्तेमाल इस तरह की किसी भी नापाक हरकत के लिए नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, तो कोर्ट पर शक करना न्यायपालिका पर हमला है, एक तरीके से कहें कि सीधा सीधा कड़ा संदेश आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जस्टिस लोया के इस पूरे मामले को लेकर के। हिंदुस्तान स्टेट्स मेक द नेशन।